तो स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने सुधीर फार्मेसी के यूट्यूब चैनल पे एक नए वीडियो के साथ, एक नए अपडेट के साथ, एक नई जानकारी के साथ। जी हाँ साथियों, लगातार आप लोग कमेंट कर रहे थे कि डी फार्मा पॉलिटेक्निक की जो ऑनलाइन काउंसलिंग कब से शुरू होगी, आपका एडमिशन कब और कैसे होगा। तो साथियों, आप लोगों के लिए खुशखबरी है, ऑनलाइन काउंसलिंग जो है शुरू हो रही है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। कब से शुरू हो रहा है, कितनी रैंक वाले का कब एडमिशन होगा, कैसे होगा, आपको ऑनलाइन काउंसलिंग कहाँ से कराना है, आपको संपूर्ण जानकारी मिलेगी। इसलिए आप लोग हमारे साथ अंत तक अवश्य जुड़े रहिएगा। और साथियों, उसके साथ आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं तो प्लीज आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं, क्योंकि इस चैनल पे हम आपको बीटीयूपी डिफार्मा पॉलिटेक्निक से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारी वीडियो के माध्यम से लाते रहते हैं। आप लोग किस चीज की काउंसलिंग करवाना चाहते हैं डिफार्मा पॉलिटेक्निक के लिए, आप लोग कमेंट करके अवश्य बताइएगा, ताकि आपसे जुड़ी जो भी अपडेट है हम आपको अपडेट देते रहें। ठीक है, आइए वीडियो को आगे बढ़ाते हुए आपको पूरी जानकारी देते हैं। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, ऑफिशियल नोटिफिकेशन है साथियों, यहाँ पर ऑनलाइन फेस टू देख सकते हैं, स्पेशल काउंसलिंग आपको देख सकते हैं, शेड्यूल 2024 अराउंड 4 to 5 राउंड। ठीक है, जो कि आप लोग इंजीनियरिंग अदर कोर्स के लिए, यहाँ फार्मेसी कोर्स देख सकते हैं। यहाँ पे आप लोग स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, चाहे आप इंजीनियरिंग हो या फार्मेसी कोर्स कर रहे हैं, आप लोगों को यहाँ पर ऑनलाइन काउंसलिंग माध्यम दिया गया है। यहाँ पर कई प्रकार की अपडेट है, यहाँ पे आपको सभी जानना है। यहाँ पर सबसे पहले फेस 1 देख सकते हैं, स्वेट फार्मेसी कोर्स या इंजीनियरिंग के 2024 की आपकी पहली प्रक्रिया, जो फर्स्ट राउंड चॉइस फिलिंग क्वालिफिकेशन कैंडिडेट यूपी स्टेट अनलिमिटेड चॉइस मेनी बी फील्ड। यहाँ पर कोई भी लिमिट नहीं है, आप चाहे जितने भी फील कर सकते हैं। फर्स्ट राउंड की जो है साथियों, यहाँ पर शुरू हो रही है 12/7, यानी कि 12 जुलाई से लेकर 24 जुलाई तक प्रक्रिया शुरू हो रही है। फर्स्ट राउंड इनरोलमेंट का जो है 15 तारीख है साथियों, 15/7/2024 के। वहीं से ऑनलाइन फी डिपॉजिट, आपको फीस पेमेंट करने के लिए यहाँ पर काउंसलिंग 16 से लेकर 19 तक आप लोग अपना फीस पेमेंट कर सकते हैं। और फर्स्ट राउंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब तक होगा, तो ये आपका देख सकते हैं 16/7 से लेकर 19/7 आप लोगों का जो है यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। ठीक है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा फर्स्ट राउंड। ऑनलाइन बैलेंस फी डिपॉजिट गवर्नमेंट अप्रूव PPP पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट सीट अलाउड, जैसे के लिए आप लोग फीस पेमेंट के लिए 16 से लेकर 20 तक अपना जो है फीस पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है, सीट विड्रॉल जो है 21 तारीख को होगा। तो इस प्रकार से आप लोग देख सकते हैं, 12 तारीख से शुरू होगी प्रक्रिया, 21 तारीख तक आपकी प्रक्रिया चलती रहेगी स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, और सेकेंड राउंड जो है फिलिंग क्वालिफिकेशन काउंसलिंग आपको यहाँ पर देख सकते हैं 22 तारीख से शुरू होगा। यानी आपका फर्स्ट राउंड जो भी है, आप लोग अपना जो है फर्स्ट राउंड का एडमिशन प्रक्रिया, यानी कि 12 जुलाई से एडमिशन शुरू हो जाता है ऑनलाइन काउंसलिंग, चाहे आप डिफार्मा के स्टूडेंट हैं, पॉलिटेक्निक के स्टूडेंट हैं, सभी का। और सेकेंड राउंड जो है चलेगा 22 तारीख से शुरू होकर आपकी सारी प्रक्रियाएं जो है यहाँ पर देख सकते हैं, 1 अगस्त तक प्रक्रिया शुरू होगी। और 1 अगस्त से शुरू होगी, और आपकी तीसरा राउंड जो है साथियों यहाँ पर 2 तारीख से चलेगा, यानी कि 2 अगस्त से आपका तीसरा राउंड चलेगा। इस प्रकार से जिस प्रकार से आपके कम या ज्यादा नंबर आए होंगे, उस प्रकार से आप लोग अपनी प्रक्रिया करवा सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं आपका थर्ड राउंड जो कि आपका 10 तारीख तक चलेगा, और क्लासेस वगैरह आपकी 21 अगस्त से चलना शुरू हो जाएंगी। काउंसलिंग में प्रतिभाग करने वाले भारतीयों को सर्वप्रथम लॉगिन आईडी पासवर्ड के, जो कि काउंसलिंग कहाँ से कराना है आपको देखना है। काउंसलिंग जो भी आपकी जीकअप की ऑफिशियल वेबसाइट पे होगा, जहाँ से आपने एंट्रेंस एग्जाम का फॉर्म फिलअप किया हुआ था, जहाँ से आपने एडमिट कार्ड डाउनलोड हुआ, वहीं पे ऑप्शन आएगा काउंसलिंग के लिए। लॉगिन करते हुए अध्येता हेतु चयनित संस्था के लिए पोर्टल पर प्रविष्ट कर दिया जाएगा। यदि कोई अभ्यर्थी अपनी लॉगिन आईडी और पासवर्ड भूल गया है तो पोर्टल फॉरगेट करके अपना रिसेट कर सकते हैं। ठीक है, और काउंसलिंग के समस्त चरण ऑनलाइन होंगे, आप लोग देख सकते हैं, कोई भी ऑफलाइन प्रक्रिया नहीं होगी। जो कि काउंसलिंग के समस्त चरणों के आधार पर निम्नों भागों में यह किया गया है, यहाँ पर देख सकते हैं, आपको उत्तीर्ण अथवा केंद्र सरकार व कर्मचारी सेवानिवृत्त उत्तर प्रदेश का की संतान की हो, यहाँ पर जो भी छूट वगैरह चलेगी यहाँ पर होगा।
मुख्य काउंसलिंग प्रथम एवं द्वितीय एवं तृतीय विशेष काउंसलिंग चतुर्थ चरण में अंतिम चरण तक पूर्ण करा ली जाएगी, यानी कि आपको प्रूफ करा ली जाएगी। अभ्यर्थियों के लिए आवंटित सीट फ्रीज होगी। राजकीय अनुदानित संस्थानों में सीट का आवंटन जो है साथियों, यहाँ पर अभ्यर्थियों की सीट एक्सपेक्टेड 3,000 रुपये एवं 250 रुपये काउंसलिंग अर्थात शुल्क होगा, यानी कि टोटल फीस आपकी जो है साथियों यहाँ पर 3,250 रुपये ऑनलाइन जमा करते करते हुए सहायता केंद्र की मुख के माध्यम से अभिलेख सत्यापन शिक्षक शुल्क काउंसलिंग शेड्यूल के अनुसार निर्धारित तिथियों में पोर्टल के माध्यम से जमा करना होगा। यानी कि साथियों आप लोगों की जो टोटल फीस लगेगी ऑनलाइन काउंसलिंग कराते समय 3,250 रुपये आपको शुल्क दे होना होगा, ठीक है। निजी से संस्थाओं का सीट आवंटन के लिए 50% के बराबर सीट एक्सपेक्टमेंट शुल्क काउंसलिंग के माध्यम से 250 रुपये पोर्टल पर जमा करना होगा। तदुपरांत तो अभ्यर्थियों को सहायता केंद्र माध्यम से अभिलेख सत्यापन कराकर जो कि औपचारिक एडमिशन पत्र डाउनलोड करना होगा। विशेष शिक्षण संस्थान को जो है संस्था के खाते में द्वारा निर्धारित समय सारणी में जमा करना होगा। इस प्रकार से देख सकते हैं आपको फीस वगैरह पेमेंट करना होगा। आपकी जो है इतना फीस लगेगा 3,250 रुपये, ठीक है, काउंसलिंग के लिए। यदि आपको करना होगा कोर्स तभी आप लोग पेमेंट वगैरह करिएगा, नहीं तो पता लगा आप लोग वैसे ही देख रहे तो आपको कोर्स भी, बहुत सारे ऐसे भी लोग होते हैं। सीट एक्सपेक्टेड फीस वापस नहीं होगी, यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर सीट एक्सेप्टेड फीस वापस नहीं होगी। ऐसी अभ्यर्थियों आगामी चरणों में प्रतिभाग करने के लिए अंत करना तदनुसार करें, ठीक है। ये सारी प्रक्रिया साथियों आप लोग के साथ आवंटित हो चुकी है। और आप लोग कितने नंबर पाए हैं, क्या आपकी रैंक है, आप लोग कमेंट करके अवश्य बताइएगा, ताकि आपसे जुड़ी जो भी अपडेट है हम आपको वीडियो के माध्यम से बताते रहें। ये था आप सभी साथियों के लिए एक महत्वपूर्ण जानकारी। हमें उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करके आप लोग अपने दोस्तों में शेयर कर सकते हैं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके आप लोग हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आप लोगों ने अपना इतना बहुमूल्य समय दिया अभी तक वीडियो को देखा, इसके लिए तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, जुड़े रहिए सुधीर फार्मेसी के साथ। थैंक यू।